आज मैं बात करूंगी सलमान की अपकमिंग फिल्म टाइगर 3। जी हाँ, टाइगर 3 को पहले 2023 में ईद के मौके पर यानी कि अप्रैल 2023 को रिलीज़ किया जाना था, मगर अब इसे 2023 की दिवाली पर रिलीज़ किया जाएगा। इस फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के साथ इमरान हाशमी भी लीड किरदार निभाते दिखेंगे। सलमान खान ने सोशल मीडिया पर फिल्म से अपना नया पोस्टर शेयर करते हुए बताया कि फिल्म अब 2023 की दिवाली पर रिलीज़ होने वाली है। सलमान खान ने अपने पोस्टर में लिखा, टाइगर की एक नई तारीख दिवाली 2023 है। टाइगर 3 को अपने नज़दीकी बड़े पर्दे पर देखें। फिल्म को हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज़ किया जाएगा। फिल्म टाइगर 3 का दर्शक काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म का टीज़र तो कई महीने पहले ही रिलीज़ हो चुका है, पहले रिलीज़ किया जा चुका है। फिल्म के पहले पार्ट को कबीर खान ने डायरेक्ट किया था, वहीं दूसरे पार्ट को अली अब्बास जफर ने और अब तीसरे पार्ट को मनीष शर्मा ने डायरेक्ट किया है। सलमान के वर्कफ्रंट की बात करें तो सलमान खान की फिल्म किसका भाई किसकी जान 2022 में 30 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म में सलमान खान के साथ पहली बार पूजा हेगड़े स्क्रीन पर दिखाई देगी। टाइगर 3 का टीज़र सामने आते ही कहा जा सकता है कि ये फिल्म काफ़ी धमाकेदार और एक्शन भरपूर होगी। फिल्म की रिलीज डेट की जानकारी देते हुए अभिनेत्री कैटरीना के अपने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्टर शेयर किया और इस पोस्टर में फिल्म का टीज़र और रिलीज डेट का ऐलान करते हुए पोस्टर शेयर करते हुए कहा। एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, टाइगर और जोया की यात्रा का एक दशक और यह सफ़र टाइगर 3 में ईद पर जारी है। बता दें कि सलमान और कैटरीना सुपरस्टार इस फिल्म का पहला पार्ट एक था टाइगर 2012 में रिलीज़ हुआ था। फिल्म के 5 साल बाद 2017 में टाइगर जिंदा है रिलीज़ हुई थी, जिसे अब दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया। वहीं अब पहले भाग के 10 साल बाद तीसरे सीक्वल की रिलीज़ डेट सामने आ गई है। ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें।